दोस्तों सुबह सुबह की शिक्षा की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, विभाग त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे तो 40,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नए सिरे से विभागों से मांगे प्रस्ताव। बता दें दोस्तों, शासन के कई विभाग रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जो विभाग भर्ती प्रस्ताव भेज रहे हैं उनमें खामियां सामने आ रही है, इससे भर्ती कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब यह मामला शासन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने सितंबर में नई भर्तियों पर कुंडली मारे बैठे भर्ती आयोग व चयन बोर्डों के अध्यक्षों को 6 महीने में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था। 2-3 वर्ष पहले का अध्याचन भेजने वाले विभाग और द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की मंजूरी का इंतजार कर रहा आयोग इसके बाद हरकत में आया। आयोग ने पूर्व से भर्ती के लिए लंबित 35,019 रिक्त पदों के लिए 557 प्रस्ताव विभागों को लौटा दिए हैं। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण को प्रस्ताव में शामिल कर नए सिरे से भेजने के निर्देश दिए हैं। नए सिरे से रिक्त पदों की स्थिति जोड़कर प्रस्ताव आने पर रिक्त पदों की संख्या 40,000 से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, यूपी SSSC जो है अब विज्ञप्तियां निकालेगा, आप तैयार हो जाएं और तेजी से तैयारी करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के समाचार पत्रों में और खबरें क्या हैं। टीटी आजीवन मानता के संबंध में आदेश का इंतजार। बता दें दोस्तों, अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की ओर से देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कीजिए आजीवन मानता के संबंध में प्रदेश सरकार को केंद्र के आदेश का इंतजार है। दिशा निर्देश मिलने के बाद ही प्रदेश की TT के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुरू की जा सकेगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को इस बारे में अभी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलते ही TT उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों की आजीवन मानता को लेकर नियमों में संशोधन किया जाएगा। पूर्व में TT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की दुविधा पर सचिव ने बताया कि कोई भी आदेश आगे की तिथि से मान्य होता है। ऐसे में यह तय है कि अब जो परीक्षा होगी उसमें सफल होने वालों को ही आजीवन वैधता किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, 91 अभ्यर्थियों ने कराया अभिलेख सत्यापन। बता दें दोस्तों, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख का सत्यापन शुरू हो गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC में सोमवार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू हुआ। पहले दिन 100 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और इनमें से 91 अभ्यर्थियों सत्यापन के लिए पहुंचे। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपथल मोलाजी के 6 पदों पर चयन। लोक सेवा आयोग राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर आपथल मोलाजी के 6 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इनमें 4 पद अनारक्षित और 1 पद OBC एवं 1 पद SC श्रेणी के थे। अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 एवं 20 नवंबर को आयोजित किया गया था। अंतिम रूप से चयनित घोषित किए गए अभ्यर्थियों में सुरभि अग्रवाल, नम्रता पटेल, विभा सिंह, अमृता वाजपेयी, पिंकी वर्मा एवं अरुण कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, कंप्यूटर सहायक चयनितों का अभिलेख सत्यापन 27 को। बता दें दोस्तों, कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 27 नवंबर को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के परीक्षा हाल के प्रथम तल पर सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 23 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में सफल घोषित किए गए 151 अभ्यर्थियों का कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट 1 नवंबर को कराया गया था और अंतिम चयन परिणाम 18 नवंबर को घोषित किया गया। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्रक, अंक तालिका एवं अन्य अभिलेखों आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में TGT कला में फाइनल आर्ट वालों को शामिल करने की मांग की भी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT कला की भर्ती में BA फाइनल आर्ट्स को विषय को शामिल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। चयन बोर्ड के
चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के आवेदन के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें कला अध्यापन के पद पर भी आवेदन मांगे गए थे। इस विज्ञापन में कला शिक्षा के लिए जो अर्हता तय की गई उसमें फाइन आर्ट्स डिग्री धारकों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। चयन बोर्ड ने अपने विज्ञापन में अध्यापन के लिए फाइन आर्ट डिग्री धारक अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। विज्ञापन में अर्हता कालम में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के धरना है और विज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं यूपीपीएससी कि न्यूज के बारे में। 6 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 6 प्रकार के 328 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने जा रहा है। आयोग अपनी वेबसाइट पर मंगलवार को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा और इसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर एवं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर को होगी। आयोग की ओर से 6 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती होगी। उनमें उत्तर प्रदेश गृह पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश रेडियो सेवा के तहत सहायक रेडियो अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक निर्माण विभाग के तहत सहायक वास्तुविद चिकित्सा शिक्षा विभाग, पैथो एलोपैथिक के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विशिष्ट विभिन्नता, प्रशासनिक सुधार निदेशालय के तहत शोध अधिकारी और उत्तर प्रदेश चिकित्सा होम्योपैथिक विभाग के तहत प्रवक्ता के पर शामिल हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है एसएससी सीजीएल 2018 के बारे में। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से सीएचएसएल 2018 टियर 2 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 26 नवंबर को मध्य क्षेत्र के 7 शहरों में होगा। तो दोस्तों, एंड तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।